अस्सलामुअलैकुम, इट्स माडी व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और यहाँ सो रही हैं आयत। आयत को हाथ लगाया तो पता चला आयत को तो बहुत तेज़ बुखार हो गया और यहाँ सो रहे हैं शोरेम भी। अब मुझे जाना है अम्मी के घर और अम्मी के घर जाने की करनी है तैयारियाँ, तो इससे पहले मैं कर दूँ आयत को थोड़ा सा सेट। मैंने सोचा आयत को नज़ला हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसे नेमुलाइज ही कर दिया जाए, तो मैंने आयत को नेमुलाइज कर दिया ताकि आगे परेशानी ना हो। शाम में ढोलकी भी है कज़न की, वहाँ भी जाना है। और यहाँ मैंने शुरू कर दी है अपनी पैकिंग। यहाँ कॉर्नर पे बैठे हुए हैं शोरेम और ये मुझे बहुत तंग कर रहे थे। भाई जाना होता है तो बच्चे बहुत तंग करते हैं। चले भाई जाने की तैयारी, हम तो जा रहे हैं अम्मा के घर और वहाँ देखें क्या एक्टिविटी होती है। और यहाँ सो गए हैं शोरेम, यहाँ थोड़ी सी सोने की तैयारी में है और गाड़ी में इधर उधर देख रहे हैं थोड़ा सा कि इन, हालांकि इनको बहुत नींद आ रही है और इन्होंने मुझे आज बहुत ज़्यादा तंग किया है सामान पैक करते हुए। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे तंग करते हैं जब आपको कहीं जाना हो ख़ास तौर पर, तो बच्चे बहुत तंग करते हैं। या मेरे ही बच्चे तंग करते हैं, आप लोगों के भी करते हैं, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस बात को। और चलें जी, यहाँ आ गया है हाईवे, हम पहुँच गए हैं हाईवे पर। अम्मी के घर जाते हुए हमारी हाईवे आता है, दूसरा रास्ता भी है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, हाईवे से जाते हैं तो वो थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट रहता है। चलें जी, यहाँ आ गए हैं अब अपनी माँ की घर की गली में। तो देखिए ये जो है हमारी अम्मी के घर की गली है। अच्छा, एक सुकून सा मिलता है माँ के घर आके ना, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं करना, आराम ही आराम करना है, सब कुछ पका हुआ आपको मिल जाएगा, ऐश ऐश। चलें जी, यहाँ हम पहुँच गए हैं और नॉक करेंगे गेट को। और यहाँ उतर गए हैं गाड़ी से और अब हम शुरू करेंगे स्टेयर चढ़ना और जाएंगे ऊपर। और यहाँ हम आ गए हैं ऊपर अम्मी के घर, देखते हैं यहाँ क्या एक्टिविटी होती है, यहाँ हम क्या खाना बनाते हैं और हम यहाँ क्या करते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ हम अम्मी के घर आकर मैं हैदराबादी खाने ज़रूर बनवाती हूँ, तो मैं आपके साथ आज एक रेसिपी शेयर करूँगी। 2 hours later खाने की तरफ, और ये है हैदराबादी लौकी का दालचा। आपने यहाँ कर लेना है तेल गरम, दूसरी तरफ आपको लेनी है मूंग की दाल। ठीक है, मूंग की दाल में बनाते हैं लोग, चने की दाल में भी बनाते हैं, ये मूंग की दाल में हम लोग बनाते हैं। और इसे आप बॉईल कर लीजिए, ठीक है, इसे आप मूंग की दाल को और बॉईल करके रख लीजिए। यहाँ दूसरी तरफ देखिए ये लौकी कटी हुई है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, नमक, हल्दी और मिर्चें, यहाँ अदरक लहसुन, पिसा हुआ गर्म मसाला, साबुत गर्म मसाला, बादियान का फूर और इमली का पानी। ठीक है, और ये गोश्त को हाफ बॉईल कर लिया है हमने, गोश्त को थोड़ा सा हाफ बॉईल कर लिया। ये सारी बाकी सारी चीज़ें आप लोग एक दफा और से देख लीजिए। हमने वो जो बॉईल करी थी अपनी मूंग की, अब वो हो गई है ठंडी, आप लोग गरम मत ग्राइंड कर लीजिएगा वरना ग्राइंडर ख़राब हो जाएगा। तो आप अपनी मूंग की दाल को अब आप लोग आराम से ग्राइंड कर लें और ये ग्राइंडर ग्राइंड करके आप इसे कर दें साइड में। अब यहाँ हम शुरू करेंगे पकाना। देखें ऑयल में आप थोड़ा प्याज डालें, प्याज डालने के बाद प्याज को इतना करें कि प्याज जो है ब्राउन हो जाए हमारी। ठीक है, जब हमारी यहाँ प्याज ब्राउन हो जाएगी बाकी का हम मसाला फिर इसमें ऐड करेंगे। प्याज को कच्ची मत छोड़िएगा वरना वो दालचे में नज़र आएगी। तो आप यहाँ पहले प्याज को कर लें अच्छा सा ब्राउन, उसके बाद हमने यहाँ अदरक लहसुन ऐड कर लिया है इसमें। आपने अदरक लहसुन ऐड करना है और उसमें भूनना है। ठीक है, आप उसको भूने आराम से और अदरक लहसुन भी जलने ना दीजिएगा, थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा सा स्लो रखिएगा। यहाँ पर हमने डाल दिया है गोश्त। अच्छा, गोश्त हाफ बॉयल है हमारा, यहाँ हमने बॉईल नहीं करा है, आप लोग चाहें तो इसके साथ ही बॉईल कर सकते हैं वरना हमने तो हाफ बॉईल करके रखा हुआ है। ठीक है, आप इसे जो है आराम से चमचा घुमाइए, इसको चलाइए। अब जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं, टमाटर हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, ये सारे मसाले जो हैं हम इसमें अब ऐड करेंगे। ये हमने यहाँ सारे मसाले ऐड कर दिए इसमें। ठीक है, आप इसमें सारे मसाले ऐड करके इसमें दोबारा से आपको चमचा चलाना है और उसको भूनना है, मसाला लगने नहीं देना है हमने, क्योंकि मसाला लग जाता है तो फिर खाना अच्छा नहीं लगता, वो जला जला सा मसाला एक लगता है। तो फिर आपने इसे भूनना है, अब इसको भूनते रहिएगा। हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में क्या क्या है, इसमें ज़ीरा है, बादियान का फूल है, तेज़पात है और आपकी दालचीनी है। आप इसके अंदर अब ये मिलाकर इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, इस मसाले को भी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, हमने पिसावा गरम मसाला एंड में डालना है, अभी हमने साबुत डालना है। उसके बाद हमने यहाँ कटी हुई हरी मिर्ची जो रखी हुई थी, हमने कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। फिर हमने यहाँ टमाटर ऐड कर देने हैं,
फिर हमने इसको भूनना है अच्छी तरीके से, इसको भुनाई करनी है इसकी इस तरीके से। जब भून जाए तो इसमें आप लौकी को ऐड जो है ऐड करेंगे। अब यहाँ लौकी देखिए कि किस स्टाइल में कटी हुई है, या आपकी मर्ज़ी है आप किसी स्टाइल में भी काटिए। हमने देखिए किस तरीके से तिकोन तिकोन सी काटी है, इसको छील कर बीच से काट कर तिकोन कर लीजिए। अब इसमें आप पानी ऐड करें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना लौकी तो बहुत ज़्यादा ही गल जाएगी। और गोश्त हमारा हाफ बॉयल है, हमें ज़्यादा पानी डालने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। हमने इसको अब पैक, अब देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी पकने के बाद। अब आप इसके अंदर आपने मूंग की दाल जो ग्राइंड करके रखी हुई है आप उसको ऐड करें, और इसमें आपने इमली का पानी जो पहले भिगो के रखा हुआ था आप इसमें वो इमली का पानी भी आप ऐड कर देंगे इस तरीके से। आप लोग अगर खट्टा कम खाते हैं तो इमली कम रखिएगा, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा रखिएगा। हम इमली हम जो है ज़्यादा तेज़ी खाते हैं, क्योंकि मैंने बताया है हैदराबाद दक्कन के हैं हम, जो है इंडिया में हैं, तो हम जो है ज़रा मिर्ची नमक ज़्यादा ही रखते हैं। अब आपने जो कड़ी पत्ता है उसने ऐड कर देना है। अब आप इसमें कड़ी पत्ता जब ऐड कर देंगे तो आप इसको पकने दीजिएगा, इसमें खुशबू बहुत ही मज़ेदार आती है। और ये हमने बचा हुआ गर्म मसाला अब इसमें ऐड कर दिया, अब इसको पकने दीजिएगा। और जब आप देखेंगे इसकी खुशबू मज़ेदार, अब इसकी आप शक्ल देखिएगा एंड में, ये देखिएगा डिश आउट हमने कर दिया ये इस तरीके से। और इसके साथ ये जीरे वाले चावल इसका जोड़ है मज़ेदार। A few moments later. चले जी, यहाँ हो गई है हमारे ढोलकी में जाने की तैयारी। सुबह ही मैंने बताया था आपको कि एक कज़न की ढोलकी यहाँ हो रहे हैं मेकअप, और यहाँ बैठी हुई आयत, और आयत करने वाली हैं अपने आनी के मेकअप पर हमला। और या इनकी आनी ने लगाना शुरू कर दिया है इनका ब्लशन। इनको मेकअप का बहुत शौक है, मेरा हो आनी का हो किसी का भी हो, इनको जो है मेकअप के बॉक्स में घुसने का बड़ा ही शौक है आयत को। और ये मुसलसल जो है इनको मेकअप नहीं करने दे रही थी, कुछ ना कुछ ज़रा इनको तंग किए जा रही कि जो है ना मुझे बस मेकअप लगा दो। और ये देखें आप कमरे का हाल, ये लड़कियों का कमरा है, ये मेकअप के वक्त ऐसे ही फैला हुआ होता है। और यहाँ पर आयत हो गई है रेडी, आयत को कर दिया है मैंने रेडी। अब मैं खुद भी रेडी होऊंगी, पहले बच्चों को मैं तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं खुद रेडी होना शुरू होती हूँ। अब यहाँ आयत कर रही है वेट के हम कब होंगे। यहाँ देखें स्टिल मेकअप चल रहा है यहाँ हमारी मैडम का, ये हटेंगी तो हम रेडी होंगे। और यहाँ फोटोग्राफी चल रही है बहन की, इनकी है शादी, इनका भी हम व्लॉग आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बस यहाँ हो गई मैं भी रेडी, अब हम वहाँ जाके क्या होता है ढोलकी कैसे होती है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ तक के तो मैंने आपसे शेयर किया कि हम मम्मी के पास कैसे आए, तैयारी कैसी हुई, हमने खाना क्या बनाया, हैदराबादी खाना। हाँ मैं हैदराबादी हूँ, मैं हैदराबाद दक्कन से हूँ। और अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर की, आयत को बुखार था अब थोड़ा बेहतर है, आयत को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, मेरा बेटा मैं अपने हस्बैंड के पास छोड़ के जा रही हूँ। चले जी यहाँ बैठ गए हैं हम गाड़ी में जाने के लिए, और इस वक्त बज रहे हैं कोई 10:30, हाँ 10:30 का टाइम हो रहा है इस वक्त। लेट हो गई थी, लेट नाइट बुलाया था उन लोगों ने, ढोलकी थी और निकाह है उनका संडे वाले दिन। और अब हम पहुँच गए हैं यहाँ, आयत चढ़ रही हैं स्टेयर्स, तो इनको चढ़ना नहीं आती हैं, तो मैंने हाथ पकड़ लिया था इनका, मैंने कहा आ जाओ चढ़ाती हूँ तुम्हें मैं। और यहाँ हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, और ये मेरे और आयत का छोटा सा क्लिप है जो हम पहुँच गए हैं, गेट नॉक कर रहे हैं इनका। और चले जी यहाँ हो गई है दुल्हन की रस्म स्टार्ट, और ये बड़े अच्छे लगते हैं, ये कल्चर बड़े अच्छे लगते हैं जब ये मेहंदी माइयों की रस्म होती है, एक लड़की
की तो बड़ा प्यारा लगता है। अल्लाह ताला बस इसके नसीब अच्छे करे। और यहाँ हमारी बेटी जो है अपनी कार्रवाई में लगी हुई है, मैडम देखती हैं जहाँ अम्मा बिजी हैं थोड़ी सी, वहाँ ये अपना जो है करना शुरू कर देती हैं अपना काम बाकी का। और यहाँ पर हम करेंगे कुछ खापा और निकलेंगे घर की तरफ, और यहाँ हम घर की तरफ रवा दवा हैं। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना अक्सर लोग भूल जाते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना ढेर सारा ख्याल करें और मुझे दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।